हेलो एवरीवन, पीएसए के अंदर 835 और एसएसए के अंदर 28 के करीब वैकेंसी आई थी। इसकी तैयारी के लिए यकीनन आपको पीडीएफ बुक्स, पास्ट पेपर, सैंपल पेपर वगैरह चाहिए होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस करेंगे पेपर की तैयारी के लिए बेहतरीन किताब कौन सी है, ऑनलाइन तैयारी करनी है तो किस वेबसाइट से आपका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस के बगैर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो कौन सी गलतियां नहीं करनी, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स वगैरह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आगे हम तैयारी के हवाले से मटीरियल शेयर करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब किया होगा तो आपको चीज़ें मिलती रहें। हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट मीडियम इसमें एमसीक्यूज होगा, ऐसे वगैरह नहीं आता, क्योंकि प्रीवियस 2023 में जो पेपर हुआ उसमें भी एमसीक्यूज ही थे। टोटल 100 नंबर का पेपर था, 50 एमसीक्यूज थे, एक एमसीक्यूज 2 नंबर का था। अब सिलेबस जो था इसका, जो प्रीवियस 2023 में पेपर हुए हैं उसमें उन्होंने जो प्रीवियस सिलेबस दिया गया था, और यकीनन इसी मुताबिक ही पेपर होंगे। पाकिस्तान स्टडीज तकरीबन 10 के करीब एमसीक्यूज, 10% मीन्स के 5 के करीब आप समझे एमसीक्यूज थे। इस्लामिक स्टडी के 5 के करीब, मैथ आईक्यू के तकरीबन 5 के करीब एमसीक्यूज थे, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर भी तकरीबन इसी तरह ही था। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, 30%, 30 के करीब, मतलब कि 12 से 15 के करीब क्वेश्चन थे, जिसमें शॉर्टकट कीज थी जो आपको हर सूरत में अच्छे से तैयार करनी है। एब्रिवेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको अच्छे से याद करनी है, ये हम आपको आगे बता भी देते हैं किस वेबसाइट से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का पेपर देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए थे। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, पास्ट पेपर सिर्फ आपकी ये हेल्प करता है कि किन चीज़ों की तैयार करना है। हो सकता है जो लास्ट टाइम शॉर्टकट की आई थी अभी ना आए, लेकिन शॉर्टकट की पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी है। जो भी वो पेपर में 3-4 की आई थी तो वो सही हो जाएगा। एब्रीवेशन आपको 40-50 अगर पढ़ लें तो इंशाल्लाह वो भी आपके पेपर में आ जाएंगे। अगर ज़्यादा पढ़ लें तो यकीन सारी की सारी शायद आपको आती हो। इसी तरह का कंप्यूटर था, और इंग्लिश में तकरीबन 30, यानी कि इंग्लिश और कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा था, जिसमें ट्रांसलेशन था। 3 उर्दू में फिक्रे दिए हुए थे, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। पास्ट पेपर में जाके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के वो क्वेश्चन थे। मैं पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से, यानी कि जहाँ से ये पेपर आपको मिल जाएंगे तो आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश टू उर्दू, ये भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में दिए हुए थे, आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी थी। प्रपोजिशन थी, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह थे, और जो खाली जुमले होते हैं उनको नीचे 4 ऑप्शन दी हुई थी कि इनमें से फिल करें, और इस तरह के क्वेश्चन शामिल थे पेपर। जो लोग ये पेपर पास करेंगे, बेशक पीएसए एसएसए वाले, तो उनका नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, ये एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ है। उसके बाद किस किताब से तैयारी करनी चाहिए, आपने के पास कोई भी किताब है आप जिससे आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ही बेहतर है। सिर्फ आप देख लें सिलेबस, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया था वो चीज़ें, अगर वो कवर कर रहा है तो बेहतरीन है। पीएसए की बुक भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, लेकिन आमतौर पर बुक्स जो होता है ये वही पुरानी उठा उठा के बना रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि जिस तरह पेपर में, जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स को कवर करें, तो वो आपको टेस्ट पॉइंट से मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स के मुताबिक इंशाल्लाह मिल जाएगा मटेरियल, और वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चीज़ आपको पास्ट पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत से लोगों का ये देना है कि जी सिफारिश रिश्वत के अलावा जॉब नहीं मिलती, ये एक गलत फहमी भी हो सकती है आप लोगों की। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो खुदा कभी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। आपको ये नहीं तो अगली, वो नहीं तो आपकी जॉब जरूर लगेगी और बेहतरीन लगेगी। आप देखें, कोई अगर बंदा आपको लगता है कि ये पैसे दे के लगा है तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप उससे अच्छी जॉब पे होंगे, अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। बेशक जॉब ना मिले, आप ऐसा काम अल्लाह आपको देगा कि आप
का रिजक उससे अच्छा होगा। उससे क्वेश्चन लोगों का है कि जी बड़ी तैयारी की है, पेपर अच्छा नहीं होता। उसकी मेन वजह यही है कि आम तौर पे लोग जो है एमसीक्यूज पढ़ते हैं, डिटेल नहीं पढ़ते। कोशिश करें डिटेल के साथ पढ़ें अपने नोट्स। अगर बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उससे नोट्स बनाएं, या ऐसी वेबसाइट से पढ़ें जहाँ पे डिटेल के मुताबिक क्वेश्चन हो। तो वो यही है कि आप टेस्ट पॉइंट को पढ़ लें, वहाँ पे डिटेल से क्वेश्चन है। और इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ने की तैयारी को शुरू कर देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो जॉब ले लेंगे। ऐसा नहीं होता और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि जी सारी रिश्वत। जब तक 2 से 8 हज़ार क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जॉब हो सकती। तो इसलिए कोशिश करें 2 से 8 हज़ार क्वेश्चन पढ़ें, ये बेहतरीन तरीका है तैयारी करने का। और इसके अलावा आप पीएसए के पास्ट पेपर्स पढ़ें। किताब भी हो सकता है मार्केट से मिल जाए, लेकिन ना भी मिले तो आप यकीनन इसकी बुक नहीं होगी, वो बड़े पीपीएससी एफपीएससी वगैरह की बुक्स होती हैं। तो इसकी ना भी मिले लेकिन ऐसी बुक मिल जाएगी जिसमें हो सकता है एक आध पेपर हो। और अगर ना मिले तो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट की बात की जाए, जैसे कि हमने पहले भी शेयर कर दिया कि यहाँ से आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इवन कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन दी हुई। बहुत से लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो हमने उनकी आसानी के लिए, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो उनकी आसानी के लिए इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट भी किया हुआ, ताकि वो इजीली क्वेश्चन याद कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 90% के करीब पेपर इस वेबसाइट से आता है। अब बात करें तो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस तरह लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पास्ट पेपर 2020 वाला भी मिल जाएगा, 2023 वाला भी मिल जाएगा। ये 23 वाला पेपर आपने, इसमें जो जो क्वेश्चन है आपने उसके रिलेटेड हर तरह से पढ़ना है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है तो आपने उसके रिलेटेड पढ़ना है। इसमें सिलेबस भी हमने दिया हुआ है, इसमें पेपर पैटर्न, इसमें किस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, एंट्री क्वेश्चन, हर तरह की हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। अब यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि हम सिलेबस पे क्लिक करते हैं। अब सिलेबस में सारी चीज़ें बताई हुई कि शॉर्टकट की आती है, एब्रिवेशन आती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हमने नीचे फिर वो तमाम जो है पेपर, जो पेपर में सब्जेक्ट है उनके आगे लिंक भी दे दिए हैं। जैसे कि कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पे क्लिक कर, ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट खुल के आ गया। आप देखो नीचे हमने आपको बताया था ना, ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें, वर्ड के रिलेटेड आते हैं वो यहाँ से पढ़ लें, एक्सेल के रिलेटेड ये, पावर पॉइंट के रिलेटेड यहाँ। फिर एब्रीवेशन जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एब्रीवेशन है जो बार बार पेपरों में आती है वो हमने दी हुई। फिर शॉर्टकट की जो क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है वो भी हमने दिया हुआ है। तो आप इस तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का, जैसे पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है। तो जैसे कि हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, ये इंग्लिश के आ गए। यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम, प्रेपोजिशन, फिर ओवर, हर तरह की चीज़ मौजूद है। और आपको इंग्लिश से उर्दू में भी इनका सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी इस वेबसाइट। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के मैसेज करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।